वेलसम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत शानदार और बहुत प्यारी बात बोली गई है, जिंदगी वह नहीं है जो आप लोगों को मिलती है, जिंदगी वह है जो आप लोग बनाते हैं। यार दुनिया में हजारों लोग पैदा होते हैं डेली और हजारों लोग मरते हैं, क्या आप लोग किसी का नाम याद है? पर हाँ, जिस इंसान ने कुछ अच्छा किया है इस जिंदगी में तो उसके बारे में सब बात करते हैं, उसके बारे में आप लोगों को कई सारी खबर न्यूज़पेपर में अपडेट या फिर न्यूज़ चैनल पर आप लोग उसके बारे में लोग बातें करते हुए पाए जाएंगे। तो यही है जिंदगी का बेसिक मतलब। अपने लिए तो हर एक इंसान जीकर चला जाता है, क्या कुछ ऐसा किया है कभी आप लोगों ने जिससे किसी दूसरे को थोड़ा फायदा हुआ? क्या जिंदगी में कुछ इस तरीके से आप लोगों ने जिंदगी को जिया है कभी? अगर हाँ तो आप लोग एक प्रोडक्टिव लाइफ जी रहे हैं, आप लोग अपनी लाइफ को तो एंजॉय कर ही रहे हैं, अपने परिवार को संभाल रहे हैं, अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं। इसी के साथ में किसी और की लाइफ में भी अगर आप लोग जरा सा भी एक प्रोडक्टिव रोल प्ले कर सको तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी मैंने देखा था एक बच्चे के द्वारा शेयर किया गया एक पिक्चर, उस बच्चे के द्वारा, हालांकि पिक्चर शेयर करते ही मुझे बोला कि सर प्लीज शेयर मत करना। वो क्या कर रहा है कि बेसिकली अभी अपने पर्टिकुलर एरिया में कुछ ट्राइबल कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनको पढ़ा रहा है, तो मुझे काफी अच्छा लगा यार। इस तरीके से आप लोग कहीं पर भी, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल एक सरहद पर जाकर ही देश की रक्षा करनी है, सेवा करनी है, कहीं पर भी आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर हर एक इंसान अपने लेवल पर काम करना स्टार्ट कर दे। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हर एक इंसान अगर डेली दिन में एक गिलास पानी को अगर सेव करने लगे तो देखते ही देखते एक कुआं भर जाएगा उस एक एक गिलास पानी से। तो इसी तरीके से अपने लेवल पर आप लोग जो भी कर सकते हैं उसको, अपने बिल्कुल प्रयास को इंप्लीमेंट करने की कोशिश जरूर करिए। ये दो वीडियो डेली आप लोगों को देखने को मिलती हैं और दोनों के टाइम फिक्स हैं, एक शाम को 9 बजे आती है और एक सुबह 7 बजे आती है। ये दोनों वीडियो के टाइम ऐसे फिक्स हैं कि आप लोग इनसे अपनी घड़ी अगर सही नहीं चल रही है तो उसको मैच कर सकते हैं इनके टाइमिंग के साथ में। मतलब कहने का ये है कि ये दोनों जो वीडियो हैं वो एग्जैक्ट सही टाइम पर आएगी, तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग घड़ी आगे पीछे चल रही है तो इससे मैच कर सकते हैं। ठीक है, इसकी PDF आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना जो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी स्टडी लवर वीर टेलीग्राम चैनल से। तो सारे PDF आप लोगों को इकट्ठे यहाँ पर मिल जाते हैं। कुछ PDF मैंने अभी यहाँ पर शेयर किए हैं जो कि पुराने आप लोगों के थे, कई सारे बच्चे उनको बोल रहे थे तो फिर से मैंने उनको यहाँ पर शेयर कर दिया है, तो उनको भी जाकर डाउनलोड कर लेना। जो मंथली जो करंट अफेयर की जो आप लोगों की PDF होती है ना, वे आप लोग यहाँ पर जाकर जरूर देखना। तो काफी प्यारा, शानदार और इंटरेस्टिंग आज का डिस्कशन रहने वाला है, तो टकटकी लगाकर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर उससे पहले एक बार जान लेते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि लेक्चर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चन होंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले और यही आर्टिकल फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सॉरी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। बात की जा रही है यहां पर, यह है दुआ की, यह एक पर्टिकुलर टाउन है वेस्ट जयंता हिल डिस्ट्रिक्ट मेघालय के अंदर। तो आप लोगों को यहां पर यह बताना है कि यह किस कंट्री के साथ में बॉर्डर टच करता है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इससे आप लोगों को अगर मेघालय की एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को बोलते ही अगर माइंड में याद आ गई कि अच्छा मेघालय वहां पर है, तो आप लोग तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, एक सेकंड नहीं लगेगी आप लोगों को आंसर देने में। और अगर मेघालय की लोकेशन याद नहीं आई तो फिर आप लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। मैं इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहा हूं बेसिकली। ठीक है, बताइए, चलिए आगे बात करते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। तो इंडियन आर्मी के द्वारा अभी यहां पर एक टेंडर इशू किया गया है, टेंडर को यहां पर दूसरे फॉर्म में RFI भी बोलते हैं। अब ये RFI अगर मान लीजिए टेंडर की जगह कल को लिखा हुआ मिल जाए तो आप लोग बोलोगे यार ये क्या हो गया। और टेंडर क्या होता है, टेंडर होता है कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अगर खरीदना है तो मार्केट में मान लीजिए 3-4 लोगों को बुलाया अलग अलग कंपनी की और उनको बोला कि ये प्रोडक्ट ये सारी कंपनी बनाती है तो आप में से किसका खरीदा जाए, तो वो जो भी क्वालिटी और अपना पैसा भरेंगे उस टेंडर में तो जिसका सबसे सस्ता और सबसे अच्छी क्वालिटी का होगा उसी को टेंडर मिल जाता है। तो इसको यहां पर RFI बोला गया। इसके बारे में आप लोग बताने ही क्या है, बेसिकली हमारी कंट्री में काफी सारे इक्विपमेंट जो है वो पुराने हो चुके हैं तो उनको रिन्यू करने की बात की जा रही है, उनको और ज्यादा इंप्रूव करने की बात की जा रही है पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तानों की हरकतों को देखते हुए। ठीक है, तो यहां पर अभी 1750 के करीब जो फ्यूचरिस्टिक यानी कि जो फ्यूचर में काम आने वाली जो इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल है यानी कि लड़ाई में यूज होने वाली जो चीजें हैं उनको बेसिकली खरीदने की बात की जा रही है। तो RFI क्या है ये आप लोग को बताना है। अभी यहां पर बात करें, एक पर्टिकुलर साउथ इंडिया के अंदर टेंपल है जिसका नाम है श्रीवरा लक्ष्मी नरसिम्हा टेंपल। ठीक है, तो नरसिम्हा आप लोगों ने देखा भी होगा, नरसिम्हा का आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, मूवी भी देखी होगी, सनी देओल की मूवी का नाम भी नरसिम्हा था एक का। तो इस तरीके से आप लोगों ने नरसिम्हा बेसिकली एक सीरियल भी आया करता था, उसमें दिखाया गया था कि किस तरीके से प्रहलाद को बचाया जाता है, क्योंकि प्रहलाद जो थे वो भक्त थे। किसके भक्त थे उसी का नाम आप लोग यहां पर बता रहे हैं, यानी कि जिस भगवान के भक्त थे उनका नाम बताना है, क्योंकि इन्हीं के आगे अगर आप लोग देखिए इनकी बॉडी तो है ह्यूमन की और इनके आगे जो सर लगा हुआ है वो है लोयन का। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर, क्योंकि जो प्रहलाद के पिताश्री थे उनको वरदान था कि ना उनको इंसान मानेगा ना उनको जानवर मानेगा मारेगा, ना वो दिन में मरेंगे ना रात में मरेंगे, कुछ ऐसा उनको अवतार, कुछ ऐसा उनको बेसिकली अवतार मिला होता,
तो इसलिए यहां पर किसी पर्टिकुलर देवता के द्वारा अपना रूप कुछ ऐसा धारण किया गया, कुछ ऐसा वक्त रखा गया, ना कोई मुझे घर मार सकता है ना कोई बाहर मार सकता है। तो मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि यहां पर उसको ये सारा रूप धारण करा। तो यहां पर ये काफी एक स्टोरी है पुरानी, उसी के नाम पर ये टेंपल है, ये अभी रिसेंटली न्यूज में है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से, कल्चर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें, बात की जा रही है यहां पर ब्रैन ऑयल के बारे में। ये बेसिकली भूसा होता है, तो भूसे से ऑयल निकाला जा रहा है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। और ये जो ऑयल है इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बोला गया है कि आप लोग इस ऑयल को खाने के लिए यूज कर सकते हैं एडेबल ऑयल की तरीके से, यानी कि उसका सब्स्टिट्यूट, उसकी जगह आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये तेल जो है वो कहीं से निकाला जा रहा है, अभी ये काफी न्यूज में जानेंगे इसके बारे में। आप लोगों ने देखा, अगर आप लोग फॉर्म भरने जाते हैं आज के डेट में किसी भी एग्जाम का, उसमें आप लोगों को मेल फीमेल या फिर टी यानी कि ट्रांसजेंडर आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा। तो ये ट्रांसजेंडर जो है ये थर्ड जेंडर हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के एक केस के बाद में बना, उससे पहले यहां पर आप लोगों को फॉर्म में मेल या फीमेल देखने को मिलता था बस। अपनी कंट्री में ये केस कब आया, जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी फंडामेंटल राइट जो है वो उनको देने की बात की गई और उनको थर्ड जेंडर डिक्लेयर किया गया। तो इस केस का नाम आप लोगों को बताना है और किस ईयर का है ये केस ये भी बताएगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों से। यूक्रेन और रशिया के बीच में काफी रस्साकसी चल रही है, इसके चलते यूक्रेन ने बोला भी है कि यार मुझे नेटो का मेंबर बना लो, फिर मेरी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएगी। चलिए, नेटो का मेंबर तो अभी ये आगे बनेगा, पर फिलहाल अभी इसकी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिली, नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पर सी ब्रीज। तो ये जो नेवल एक्सरसाइज है ब्लैक सी में देखने को मिली, और इस नेवल एक्सरसाइज में ये जो कंट्री के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, इससे रशिया को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम इसके साथ में तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ोगे। ठीक है, तो ये कंट्री कौन सी है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है, यहां पर अगर बात करें तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ब्लैक सी जो है वो एक मार्जिनल सी है, यानी कि एक पर्टिकुलर ओशियन से निकलकर यहां पर आप लोग इसको बोल सकते हैं ये सी बनता है, उस ओशियन का नाम आप लोगों को बताना है। ये जो बेसिकली सी आप लोगों को देखने को मिलेगा ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बीच में है, ये जो है ब्लैक सी, तो इसके बारे में जानेंगे। हालांकि इसके बारे में आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस भी की थी, तो शायद होगा आप लोगों को याद हो कुछ बातें, फिर से कुछ रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारी कंट्री में न्यू जनरेशन अभी न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो यहां पर अभी देखने को मिली, जिसका नाम है अग्नि पी। तो अग्नि पी, पी का मतलब क्या है आप लोगों को यहां पर ये बताना है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है क्या पी का नाम, तो बताइए आप लोग पी का नाम क्या है, जो भी आप लोगों को लगता है। बाकी ये जो मिसाइल है ये टेस्ट फायर की गई है अभी जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग डीआरडीओ बोलते हैं, तो डीआरडीओ के द्वारा एक आइलैंड से यहां पर इसको टेस्ट फायर किया गया, और वो आइलैंड जो है वो उड़ीसा के अंदर में है। तो इस आइलैंड का नाम आप लोगों को बताना है, एक महान पर्सनैलिटी के नाम पर यहां पर इस आइलैंड का नाम है, पता होना चाहिए आप लोगों को। तो काफी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहेगा, एंजॉय करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए शॉर्ट न्यूज से आगे बढ़ते हैं, एक एक कर यहां पर न्यूज देखेंगे, जिससे काफी सारी चीजें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलने वाली है। सबसे पहली जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है श्री वरा, ये यहां पर बेसिकली लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल के बारे में बात करें, जो कि यहां पर सीमाचलम के अंदर है। ठीक है, तो ये कहां पर है, ये है आप लोगों को देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम वाले एरिया में बेसिकली। ठीक है, तो यहां पर अभी क्या हुआ, यहां पर अभी जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में इसके चेंज किए गए, तो वो तो आप लोगों से नहीं पूछेंगे कौन क्या बनाया जा रहा है, पर इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो यहां पर स्टेचू है आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की स्टेचू है यहां पर। ठीक है, तो वो जो विष्णु भगवान की स्टेचू है यहां पर, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा लोयन का तो हेड है और ह्यूमन की बॉडी है। रीजन क्या था, क्योंकि प्रहलाद जो थे वो विष्णु भगवान की पूजा करते थे, इनके फादर जो थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप, ये बोलते थे कि मेरी पूजा करो मैं ही भगवान हूं। क्यों, क्योंकि इनको वरदान मिला हुआ था कि ना तो इनको इंसान मार सकते हैं ना जानवर मार सकते हैं, ना ये दिन में मरेंगे ना ये रात में मरेंगे, ना ये घर में मरेंगे ना ये बाहर मरेंगे, कुछ कुछ ऐसी बात इनके लिए इनको यहां पर वरदान मिला हुआ था। तो यहां पर कुछ ऐसा रूप धारण करना पड़ा विष्णु भगवान को, ताकि इनको मारने के लिए, राक्षस का वध करने के लिए, तो इनको कुछ ऐसा रूप धारण करा, ना तो इंसान था ना जानवर था, ना दिन था ना रात था, एक ऐसे पहर में इनको मारा, ना घर के बाहर ना घर के अंदर, चौकट पर धरकर इसको मारा। तो इस तरीके से यहां पर इसको मारा गया। ठीक है, तो ना अग्नि जला सकती है ना पानी, तो इसको ना खून से जो पेट इसका फाड़ा गया था, आप लोगों ने देखी भी होगी नॉर्मली मूवी, तो उसी के नाम पर यहां पर ये स्टोरी थी बेसिकली। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर ये बेसिकली जो विष्णु जी हैं, बोला जाता है कि उनके द्वारा यहां पर नरसिम्हा का रूप जो था वो धारण किया गया और उन्हीं की पूजा यहां पर की जाती है। तो ये टेंपल न्यूज में, तो कई बार क्या करते हैं आप लोगों से, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों जो पोर्शन होते हैं उसमें आप लोगों से बात करेंगे टेंपल के बारे में, और कई बार उस स्टेट के बारे में पूछ लेंगे कहां पर ये टेंपल लोकेटेड है, या फिर उसमें वो किस पर्टिकुलर रिलीजन के लिए वो डेडिकेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं ऐसे। तो ये हिंदू टेंपल है बेसिकली, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कहां पर लोकेटेड है, ये भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है। आप लोगों को याद होगा कई सारे बच्चों ने मुझे टैग किया था कि जब मैंने बोला कि पेड़ लगाना है क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा है, आप लोग सबसे अच्छा चाहते हैं अगर आप लोग पेड़ आप लोगों का चलता रहे आगे बन जाए,
तो आप लोगों को बेसिकली मॉनसून के टाइम पर पेड़ लगाना चाहिए, तो सबसे बेस्ट ये मौसम माना जाता है। पर लेकिन अभी यहां पर मेघालय में इसके अपोजिट ही चीजें देखने को मिल रही है। यहां पर क्या किया जा रहा है, मेघालय के अंदर अभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हाईवे को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे पेड़ जो है वो काट डाले, तो उसके चलते लोगों ने प्रोटेस्ट किया यहां पर। तो काफी लार्ज स्केल पर जब पेड़ को यहां पर काटा गया तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया और कई सारे ऐसे वीडियो, कई सारे ऐसे फोटो जो है वो वायरल हो गए। जब ये वायरल हो गए तो गवर्नमेंट की आंखें खुली, तो बोला ये जा रहा है कि जो लोग यहां पर बेसिकली जिनके द्वारा ये वायरल किया गया एक्टिविस्ट थे कि कोविड 19 के लॉकडाउन का फायदा उठा के सारे पेड़ जो है वो काट डाले। ये बेसिकली पाइन ट्री थे, आप लोगों ने देखा होगा यहां पर नॉर्मली केक भी आप लोग खाते हैं पाइन एप्पल, तो उसके ट्री थे जो यहां पर काटे गए। ठीक है, और जो एग्जैक्ट लोकेशन है मैंने बोला था कि आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, तो मेघालय वाले रीजन के बारे में बात की जा रही है। तो ये पर्टिकुलर एरिया जहां पर ये हरकतें देखने को मिली ये है यहां पर द्वावकी। तो ये पर्टिकुलर जो टाउन है ये बांग्लादेश के साथ में आप लोगों को बॉर्डर पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वेस्ट जैंतिया जो हिल है उस पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है। 71 किलोमीटर यहां पर बेसिकली शिलोंग द्वावकी, ये 4 लेन प्रोजेक्ट था जो कि 1251 करोड़ का है, उसके चलते यहां पर ये सारे पेड़ जो है वो काटे जा रहे थे। तो देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए, इसीलिए आप लोगों को बार बार मैं मैप दिखाता हूं, अगर आप लोगों को पता है कि मेघालय कहां पर लोकेट है तो तुरंत आप लोग चीजों को कोरिलेट कर लोगे। तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग बांग्लादेश के साथ में अकेला मेघालय टच करता है यहां पर, अकेला मतलब बांग्लादेश के साथ में अगर बात करें तो मेघालय एक कंप्लीट अगर देखें तो दो के बीच में, ऊपर आसाम है और नीचे है बांग्लादेश, तो दोनों के बीच में सैंडविच है मेघालय। तो मेघालय की एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोगों को पता है तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। तो मैप जितना ज्यादा देखेंगे आप लोग, मैप का रेफरेंस लेंगे, कई और सारे क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो मैप को जरा सा भी हल्के में आप लोगों को नहीं लेना है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को पहले बताया, तो अगर मैं जितने बताता हूं तो बताता ही हूं, खुद से अगर टाइम मिले जब भी आप लोगों कोई न्यूज आ गई सामने तुरंत जाकर मैप में झांके एक बार। ठीक है, इंडियन आर्मी के बारे में बात की जा रही है, तो इंडियन आर्मी के द्वारा टेंडर या फिर इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, यहां पर इसका दूसरा नाम दिया गया रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली यहां पर क्या है, इसके तहत प्रोक्योरमेंट करने की बात की जा रही है, खरीदने की बात की जा रही है। क्या यहां पर 1750 जो फ्यूचर में इन्फेंट्री जो कंबैट व्हीकल है FICV जो कि रिप्लेस करेंगे पुराने टाइम के जो रसिया के, अब तक यहां पर यानी कि जो पुराने टाइम में रसिया से हम लोगों ने खरीदे थे उसको रिप्लेस कर उसकी जगह नई आप लोगों को यहां पर ये चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो काफी पुराने हो चुके हैं। और आज की डेट में आप लोगों को बताएं, एक टाइम पर ऐसा था कि गन से काम चलता था, आज की डेट में तो वायरस से ही काम हो जाता है, तो इसके चलते चीजें भी आप लोगों को अपडेट करनी पड़ती हैं। तो अगर बात करें यहां पर ये बिल्कुल इसी के बारे में बात की जा रही है, तो थर्ड अटेम्प्ट है यहां पर ये। ठीक है, तो बेसिकली अभी यहां पर पहले भी यहां पर इसी तरीके से प्रोक्योर कर चुके हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही अपडेट कर रहे हैं जैसे मैंने अपना माइक अपडेट कर दिया। ठीक है, तो माइक आ चुका है, काफी प्यारा है, मैं उसको बेसिकली अभी उसको मतलब उसको देख रहा हूँ अभी, उसमें कई सारे फंक्शन दे रखे हैं। पुराने वाले में तो कुछ नहीं था, बस आप लोगों को वायर लगाना था और कनेक्ट करना था, पर लेकिन ये जो नया वाला माइक है इसमें कई सारे फंक्शन दे रखे हैं, नॉइस कैंसिलेशन का किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं, मतलब म्यूट कर सकते हैं, मतलब अपडेटेड वर्जन है, तो कई सारी अच्छी अच्छी चीजें उसमें दे रखी है। तो एक दो दिन के अंदर देखोगा आप लोगों को वहां पर वॉइस में चेंज नजर आएगा, तो काफी कुछ आप लोग यहां पर बिल्कुल प्रिसाइज सुनेगा और बिल्कुल भी कोई भी इको वगैरह उसमें देखने को नहीं मिलेगी। और आई होप सो कि कभी ऐसा भी ना हो कि आवाज ना जाए, आवाज देखिए कई बार क्या होता है वायर जो ढीला रह जाता है ना नीचे से, उसकी वजह से भी कई बार आवाज चला जाती है, माइक में दिक्कत नहीं होती, कई बार वायर में दिक्कत होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लैपटॉप में लगा रखा है एक साइड से माइक में लगा रखा है, तो उसमें वो वाला फंडा जो रहता है वहां पर कई बार दिक्कत हो जाती है। ठीक है, कोई नहीं, चलिए देखता हूं कल या परसों में आप लोगों को नए माइक से वॉइस नजर आएगी। अब अगर बात करें यहां पर RFI यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और उसी के साथ में FICV यानी कि फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री जो कम्बैक्ट व्हीकल है उसके बारे में अगर बात करें, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्रॉस कंट्री जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं, तो उसमें खासकर नए अगर आप लोगों के पास में इस तरीके के जो भी आप लोगों के पास में अगर हथियार होंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। खासकर अगर बात करें यहां पर जैसे कि वेस्टर्न बॉर्डर पर बात करें पाकिस्तान है, तो उसके चलते जरूरी है यहां पर, तो इसी के चलते काफी लार्ज स्केल पर अपडेट किया जा रहा है चीजों को। अगर बात करें हाई एल्टीट्यूड पे 5000 मीटर पर जाकर चाइना के साथ में लड़ना है लद्दाख वाले रीजन में, तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं। नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम वाले एरिया में जाएंगे तो वहां पर भी चाइना हरकतें करते रहते हैं। तो जो पुराने टाइम के हथियार है हमारे पास में रसिया ओरिजिन के BMP-2 ये इस तरीके के पुराने हथियार है हमारे पास में, तो उनको रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है और अभी यहां पर इसी को फाइनलाइज किया जा रहा है ताकि हमारी आर्मी के पास में अपग्रेडेड वर्जन आप लोगों को हथियारों का देखने को मिले। तो इससे कई सारे फायदे होंगे एनिमी के, हम लोग आसानी से अगर हमारे पास में एडवांस चीजें हैं तो जो दुश्मन के आराम से टैंक वैंक भी उड़ा सकते हैं। ठीक है, पर्सन अगर खुद के हमारे पास में सारी चीजें हैं जैसे कि एक अच्छे खासे व्हीकल हो गए, ठीक है, लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर हो गए, तो हम लोग काफी अच्छे से काफी पड़ोसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं आसानी से अगर कल को लड़ाई होती है तो। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है,
आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, और सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है, बेसिकली निगाह रखना कि कोई ढंग से काम कर रहा है या फिर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज की गई है कंसल्टेटिव यानी कि डिस्कस करने लायक डॉक्यूमेंट यहां पर इशू किया गया, कैसे रेगुलेट करना है यहां पर माइक्रो फाइनेंस को। तो यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि जो छोटे छोटे जो बिजनेस है, जो धंधे हैं, उनको जो भी यहां पर पैसा देते हैं, तो उसको रेगुलेशन के बारे में बात की जा रही है। तो माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस को शॉर्ट फॉर्म में आप लोग माइक्रो क्रेडिट का भी नाम देते हैं, याद रखिएगा माइक्रो फाइनेंस या फिर माइक्रो क्रेडिट। तो एक छोटा सा क्रेडिट देना किसी को, जैसे मान लीजिए कोई सर्विस प्रोवाइड करानी है किसी अनएम्प्लॉयड यूथ को, या फिर कोई भी ऐसा है लो इनकम इंडिविजुअल है जिसकी हेल्प की जाए, ठीक है। तो कोई चीज इस तरीके से फाइनेंशियली वो अगर बात करे, उसको इस तरीके से चीजें प्रोवाइड कराना ताकि वो अपॉर्चुनिटी लेकर उससे सेल्फ सफिशिएंट बन सके, ठीक है। अभी एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है मिस इंडिया, ठीक है। मिस इंडिया मूवी आप लोगों ने देखी होगी शायद, उसमें ये दिखाया गया कि उसको स्टार्टिंग में $1,000 का चेक देता है वो, और वो बंदी जो है उसी से ही अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर देती है। तो कहने का मतलब ये कि हो सकता है कि ये देखने में माइक्रो फाइनेंस लगे पर किसी के लिए बहुत बड़ी रकम हो जाती है, ठीक है। जिस तरीके से मान लीजिए कई सारे बच्चे गए, कई सारे बच्चे अभी मेल करते हैं कि सर मोबाइल रिचार्ज करा दो, ठीक है। तो हो सकता है कि मेरे लिए वो एक छोटा सा रकम हो कि हाँ ठीक है चलो यार एक मोबाइल रिचार्ज कर देते हैं, पर लेकिन उसकी कंडीशन जैसी चल रही है उसके हिसाब से हो सकता है कि वो बहुत बेटर हो, मतलब उसके लिए एक महीने की उसकी पढ़ाई हो जाएगी उसमें। तो कई बार ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। एक और छोटी सी बात इससे मुझे याद आ गई, किताब के बारे में देखिए यार बहुत सारे मेल आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, मैं एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मेल आ गए किताबों के बारे में। मैक्सिमम लोग किसी को लक्ष्मीकांत चाहिए, मैक्सिमम तो खैर लक्ष्मीकांत के हैं, कुछ इसमें बहुत सारे जो अभी मॉडर्न इंडिया का जो स्पेक्ट्रम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसी के साथ में कुछ जो है जो रमेश सिंह की जो इकोनॉमी की किताब है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैक्सिमम जो है वो है दो किताबों के बारे में, एक तो स्पेक्ट्रम और एक लक्ष्मीकांत के बारे में, ठीक है। तो यार अभी मेरे पास में थोड़ा सा टाइम नहीं लग पा रहा है, बहुत सारे मेल हो गए, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पिछले कुछ टाइम में मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी काउंट करके कितनी किताबें मैं लोगों तक पहुंचा चुका हूं। तो यार वो थोड़ा सा टाइम दिया करो, कई बार जो पैसे रहते हैं उसकी भी थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी चीजें हैं उसके तरीके से फिर मतलब थोड़ा सा मुझे भी चीजों को स्ट्रेस में डालना पड़ता है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, बहुत सारों को मैं आराम आराम से भेज रहा हूँ, कईयों को मैंने मेल भी किए थे वापसी कि यार ठीक है कुछ टाइम मुझे दो थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, बहुत सारे मेल रेगुलरली देखने को मिल रहे हैं अब भी कि इस तरीके से। तो कोशिश ये करो कि थोड़ा सा आप लोग मतलब पेशेंस रखिए, जब तक किताब नहीं आ रही है लक्ष्मीकांती तब तक आप लोग पॉलिटी की वीडियो देख लो, ठीक है। जब तक आप लोगों के पास में किताब नहीं है मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी रहता है ना, जब एक नया मंथ स्टार्ट होता है तो फिर उसी तरीके से पैटर्न चलता है। एक वो रहता है ना कि पूरे इस महीने में कितना मैं खुद के लिए खर्चा कर सकता हूँ, कितना मैं एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए निकालता हूँ कि हाँ इसमें से आप लोगों को किस किस को क्या हेल्प की जा सकती है, तो वो यार एक आइडिया बनाना पड़ता है उसका, ठीक है। तो अभी कुछ ज्यादा ही रिक्वेस्ट आ गई, वो मेरे बजट से थोड़ी सी बाहर चली गई है, तो इसके चलते थोड़ा सा अभी वो चीजें नहीं हो पा रही है, तो इसलिए मैंने उसको रोक दिया थोड़ा सा, ठीक है। ये चीजें हालांकि मैंने आप लोगों से कभी शेयर नहीं की, जो मेल करता है तो उसी से बस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके वो कर देते हैं, पर हाँ थोड़ा सा अभी आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं जल्दी ही आप लोगों को जो किताबें हैं आप लोगों की ऑर्डर करूंगा, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा अपना उसको मतलब पेशेंस रखिए, बस ये बोलना था मुझे यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर अगर बात करें तो बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली माइक्रो फाइनेंस के बारे में। तो माइक्रो फाइनेंस से मुझे एकदम याद आ गया, एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर किताब खरीदनी है, मुझे अभी 150 रुपए की कमी पड़ रही है उसके अंदर, ठीक है। बाकी उसके पास में पैसे थे, इवन उसने अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर दिया, तो मुझे बड़ा मतलब ओड लगा यार। मैंने कहा मतलब ऐसे मत करो कि मतलब यकीन नहीं है आप लोगों के ऊपर, देखिए हाँ है कि बहुत सारे लोग हैं कि झूठ बोल के चीजें करते हैं, ठीक है, पर इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही आप लोग इस तरीके से कि स्क्रीनशॉट भेज के मुझे बोल रहे हो कि सर इतने ही पैसे बचे हैं प्लीज सेंड कर दो, ठीक है यार कोई नहीं, जितना मेरे से हो पाएगा उतना तो मैं करूंगा यार, ऐसी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर हाँ जितना जो भी है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश जरूर करो, और हाँ किताब के लिए मेल तभी करो आप लोगों को अगर रियलिटी में चाहिए। कई सारे बच्चे ऐसे हैं खरीद कर उसको रख लेते हैं, यार इतना नहीं है हिसाब कि मैं सबको बांट सकूं, लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं मेरे पास में, तो आप लोगों को भी कम से कम इतना करना पड़ेगा कि हाँ रियलिटी में अगर जरूरत है तो ही मेल करिए, ठीक है। उससे ज्यादा फिर दिक्कत होने लगती है, क्योंकि अगर इससे अच्छा आप लोगों ने यूज नहीं किया तो कम से कम उस इंसान को मिल जाती जो इंसान जो है उसको यूज कर सकता था, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है कि सर आप तो बुकमैन ऑफ द इंडिया हो गए, अरे कहाँ भाई इतनी बड़ी उपाधि दे रहा है, कोई नहीं इंजॉय करिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, यहाँ पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है कि नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है, वो बात करें तो माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए रूल्स और रेगुलेशन है वो सबके लिए इक्वल है, यानी कि जिस तरीके से बोलते हैं ना कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई अमीर है कोई गरीब है तो कोई कैसा है, तो सबके लिए इक्वल रूल रखे गए हैं, चाहे कोई बड़ा बैंक है चाहे छोटा बैंक है, अगर पर्टिकुलर माइक्रो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करानी है तो उनके लिए सबके इक्वल रूल रखे गए हैं, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पर बेसिकली एक यूनिफॉर्मिटी बनाने की कोशिश की जा रही है एप्लीकेशन के अंदर, ताकि रेगुलेट किया जा सके इससे रिलेटेड
रिलेटेड जो भी लेंडर है उनको, कमर्शियल बैंक होंगे, स्मॉल फाइनेंस जो बैंक हो गए, NBFC हो गई, वो सारी चीजें, तो उनको हम लोग आराम से काम कर सके, ठीक है। तो उसी के बारे में ये देखिए एक तरीका है बेसिकली, अगर एक ऐसा रहता है, देखिए मान लीजिए इसे आंसर लिखते हैं आप लोग, ठीक है, अगर यहां पर सब आंसर लिख रहे हैं तो सब अपने अपने तरीके से आंसर लिखेंगे, अगर मैं क्वेश्चन पोस्ट कर देता हूं कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर देना, तो फिर तब आप सब मिलता जुलता आंसर लिखेंगे, ठीक है, कि हाँ ये चीजें हैं, पर लेकिन अगर अपना अपना क्वेश्चन अपना अपना आंसर, तो फिर क्या होगा। तो इसी तरीके से एक यूनिफॉर्मिटी बनानी है, तो अपना क्वेश्चन मुझे पोस्ट करना है और उसके आंसर आप लोगों को देने हैं, तो उससे क्या होगा, उससे उसी क्वेश्चन के आंसर जो है बच्चे देते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए रूल और रेगुलेशन उस तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है बेसिकली इसके लिए, ठीक है। माइक्रो फाइनेंसिंग जो रहती है एक तरीके से रेगुलेट अगर की जाती है, तो प्रॉपर वे में लोगों तक जिनके पास में कुछ नहीं है उनकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको चीजों को लेकर चल सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात भी की थी। यहां पर अभी बात की जा रही है राइस ब्रैन ऑयल के बारे में। ये बेसिकली जो चैफ होता है या फिर राइस हस्क इसको बोल सकते हैं आप लोग, यानी कि जो चावल होता है, चावल का जो भूसा होता है उससे ये तेल निकाला जाता है। ये तेल अभी जो है न्यूज में है, हिचके आ गई ये तेल जो है अभी न्यूज में है, क्योंकि इसको WHO के द्वारा भी ये बोला गया कि इस ऑयल को आप लोग इडेबल ऑयल के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक अच्छा तेल यहां पर ये बताया गया है। तो हमारी कंट्री में डिपार्टमेंट ऑफ जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसके द्वारा लॉन्च किया गया, यहां पर बेसिकली ई लॉन्च देखने को मिला, NAFED। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो ये बेसिकली एक तरीके से यहां पर अगर बात की जाए इसके बारे में, तो इसका नाम दिया गया यहां पर NAFED फोर्टिफाइड राइस ब्रैन ऑयल। तो ये जो ब्रैन ऑयल है यहां पर, ये बेसिकली एक तरीके से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जो भूसा होता है बेसिकली चावल का जो भूसा बचता है ना उससे इसको निकाला जा रहा है, और यहां पर हाई एक स्मोक लगभग 232 के करीब या 450 फारेनहाइट 222 डिग्री सेल्सियस के करीब यहां पर टेम्परेचर पर इसको बेसिकली निकाला जाता है, तो उससे तहत यहां पर इसको यूज किया जाता है। तो कुकिंग मेथड के लिए इसको यूज किया जाता है, आप लोग तलना या कोई गहरा तलना, कोई तला बुला खाना, तो उसके लिए अगर कोई काम करता है तो उसके लिए यूज कर सकता है। और इसी के साथ में ये जो राइस है, जो यहां पर बेसिकली बात करें राइस ब्रैन ऑयल है, ये एक तरीके से कंपोजिट भी है यहां पर, सिमिलर किस तरीके से जैसे पीनट ऑयल है, यानी कि जो मूंगफली से जो तेल निकाला जाता है ना, तो उसके बारे में बात की जाती है। पीनट बटर का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसको भी ऑल्टरनेटिव तरीके से यूज किया जाता है, तो उसकी जगह यहां पर इसको यूज कर सकते हैं। और एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल का लेवल ये काफी कम करेगा, ट्रांस जो फैट है वो भी आप लोगों को इसके अंदर लो देखने को मिलेगा, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो सेहत के लिए अच्छा है, खासकर जो कैंसर का जो रिस्क है उसको भी ये कम करेगा, और विटामिन ई भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा हेल्दी प्रोडक्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि कंफ्यूजन आप लोगों से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन अगर बन जाए तो फिर मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से बन सकता है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है किसको अल्टरनेटिव के तरीके से यूज करें। और अभी आप लोगों को पता है तेल काफी ज्यादा न्यूज में, कई सारे जो तेल के जो प्राइस है काफी ज्यादा महंगे हो गए थे, तो उसके चलते काफी ज्यादा न्यूज में भी आ गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी की थी अभी, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये पर्टिकुलर जो न्यूज है ये बात की जा रही है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में। तो इस न्यूज में क्या क्या बातें की जा रही है एक एक कर देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था यहां पर बेसिकली केस के बारे में, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं NLSA, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का यहां पर ये केस था। इस केस में 2014 में ये केस आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो इस केस में हमारी कंट्री में एक नया पड़ाव, नया एक पहल, नई एक शुरुआत हुई हमारे देश में, जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है उनको एक थर्ड जेंडर बना दिया गया, यानी कि जो हिजरे हैं, जो किन्नर हैं, उनको भी थर्ड जेंडर के तरीके से देखा जाने लगा, उनको भी फंडामेंटल राइट जो पार्ट थर्ड में हमारे संविधान के उनको प्रोवाइड कराए गए, उनको भी यहां पर जो जॉब में रिजर्वेशन वगैरह होते हैं वो प्रोवाइड कराने स्टार्ट कर दिए। तो ये जरूरी था यहां पर, जो कि खासकर ऐसी कम्युनिटी जो कि नेचुरली है हमारे, उनके हाथ में तो कुछ है नहीं, तो हम लोग उनको इग्नोर करते थे। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट केस आया सामने निकल का। अभी बोला गया कि 6 मंथ के अंदर अगर बात करें, जस्ट ओवर 6 मंथ यहां पर लॉन्च किया ये प्रोग्राम, तो इसके चलते जो सर्टिफिकेट इशू किए गए, तो 1557 के करीब सर्टिफिकेट इनके द्वारा इशू किए जा चुके हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से ट्रांसजेंडर पर्सन को, ठीक है। तो इनकी आइडेंटिटी के लिए सर्टिफिकेट इशू किए जा रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर 2020 में यहां पर यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट जो है उनके द्वारा नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन ये बेसिकली लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो यहां पर इसमें काम करना स्टार्ट कर दिया, फिर नोटिफाई किया गया यहां पर ट्रांसजेंडर पर्सन को। तो इसके चलते हमारी कंट्री में नोटिफिकेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ रूल ये भी है 2020 जहां पर पब्लिश किए गए। तो उसके चलते ट्रांसजेंडर पर्सन जो इसका फायदा उठा रहे हैं और अपनी जो आइडेंटिटी कार्ड इनको मिल रहा है, तो आइडेंटिटी कार्ड से
इनको कोई स्कीम का फायदा उठाना है, अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्कीम चलाई जा रही है या फिर कोई भी इनके लिए कोई एक तरीके से कुछ एजुकेशन में पॉइंट ऑफ से इनको रिजर्वेशन चाहिए तो वहां पर अपना सर्टिफिकेट ये लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि इनको कार्ड मिलेगा तो अलग से एक पहचान अपनी देखने को मिलेगी, जो कि नॉर्मली जहां पर भी इनके लिए जो भी चीजें हैं प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है उनका फायदा उठाया जा सके। तो इसकी वजह से ये न्यूज में है, ठीक है। तो जो केस आप लोगों को बताया वो केस का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब यहां से आपकी लॉन्ग न्यूज स्टार्ट हो चुकी है, अभी हम लोगों ने शॉर्ट न्यूज देखी, अब यहां पर लॉन्ग न्यूज बोल सकते हैं या फिर टॉपिक बोल सकते हैं। तो कई सारे टॉपिक हम लोग अब यहां पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज का टॉपिक है यहां पर, जो कि बात करें सी ब्रीज एक्साइज के बारे में। तो सी ब्रीज एक्साइज किस किस के बीच में, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा आप लोगों के लिए। तो यहां पर ये यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में आप लोगों को ये एक्साइज देखने को मिलेगी, जो कि एक नेवल एक्साइज है, इसका नाम है सी ब्रीज, और ये आप लोगों को ब्लैक सी वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट है याद रखना, यहां पर वेस्टर्न जो कोऑपरेशन है यहां पर बेसिकली, उसमें यहां पर यूक्रेन का एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जिसके चलते रसिया जिसके द्वारा यूक्रेन से क्रीमिया हथिया लिया गया और उसके बाद में फिर अपनी दादागिरी दिखाई गई। तो यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया को रसिया ने हथिया लिया और अभी इस पूरे ब्लैक सी को रसिया बोलता है कि ये मेरा सी है, जबकि और भी कई सारी कंट्री यहां पर इसके साथ में टच करती है, ठीक है। इधर बुल्गेरिया देख लीजिए, इधर तुर्की देख लीजिए, ठीक है, इधर रोमानिया हो गया। तो इस तरीके से कई सारी कंट्रीज बॉर्डर को टच करती हैं, यहां पर जॉर्जिया हो गया, पर लेकिन रसिया बोलता है कि पूरा ये जो है ओशियन जो है ये सी जो है ये मेरा सी है। तो इसके चलते रसिया को मजा चखाने के लिए यूएसए यहां पर सामने है, मतलब अफगानिस्तान से तो नाक रगड़ के बाहर निकल रहा है और यहां पर आकर दादागिरी दिखा रहा है। मतलब वास्तव में यार अफगानिस्तान में जैसी कंडीशन बनाकर ये बाहर निकले हैं वो रियलिटी में बहुत ज्यादा बदतमीजी वाली हरकतें हैं, इतना माहौल वहां पर खराब हो रखा है। एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टेब्लिश करके जाते हैं, कम से कम कुछ सॉल्यूशन निकाल के जाते हैं, मतलब 20 सालों तक 20 मिनट में इनके द्वारा ड्रामा निकाल दिया वहां पर, तो बड़ी एक इरिटेशन वाली चीज आएगी, कितना अशांति वहां पर, कितने सारे लोगों की जान जा रही है। एक्साइज जो है सी ब्रीज यहां पर स्टार्ट की गई थी 1997 में, ये नेटो मेंबर को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसको यहां पर इनके द्वारा इन्वॉल्व किया गया बेसिकली ब्लैक सी के अंदर में। तो अभी बात करते हैं यहां पर, ये 21st टाइम यहां पर देखने को मिल रही है 1997 से एक्साइज जो यहां पर इसका जो एडिशन है 2021 में, ठीक है। तो यहां पर देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि आप लोगों से पूछे कौन सा एडिशन है, तो 2021 में इसका 21वां एडिशन है, ठीक है। तो ये एक एक्साइज जो है यहां पर अब की बार काफी लार्जेस्ट एक्साइज को बोला जा रहा है, 5000 के करीब मिलिट्री पर्सनल यहां पर मोर देन 30 कंट्री के इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ताकि रसिया को बताया जा सके कि यूक्रेन के साथ में हम लोग खड़े हैं। तो मैक्सिमम नेटो मेंबर यहां पर इंक्लूड होकर इसके सामने आ गए। अच्छा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग नेटो बोलते हैं, उसके अंदर टोटल मेंबर कितने बताइए तो जरा। अगर बात करें तो एम ये है कि नेवल और जो लैंड ऑपरेशन है उसको इंप्रूव किया जा सके और एक स्टेबिलिटी लाई जा सके इस रीजन में, क्योंकि रसिया के चलते यहां पर यह लगता है कि कोई यहां पर कदम नहीं रख पाएगा। रसिया बोलता है कि किसी ने यहां पर अगर कदम रखा तो उसके पैर के छोटे 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 टुकड़े कर मैं जो है बेसिकली किसको खिला दूंगा, पता नहीं जिसको भी खिलाएगा, पता चला चाइना की तरह अपना भी तल के खा गए। तो यह है बेसिकली जो ब्लैक सी है यहां पर, अगर आप लोग देखें यहां पर मेडिटेरेनियन सी आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्मली अगर देखे तो, पर लेकिन जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो यहां पर ये कि आप लोग यहां पर देखिए, ये हो गया अटलांटिक सी, ठीक है। तो अटलांटिक हो गया यहां पर बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक, तो नॉर्थ अटलांटिक में से यहां पर मेडिटेरेनियन निकलता है, तो इसलिए यहां पर ब्लैक सी को भी जो एक्सटेंशन माना जाता है कि किसका ये बेसिकली एक्सटेंशन है ब्लैक सी, तो उसको अटलांटिक ओशन का एक्सटेंशन माना जाता है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली मेडिटेरेनियन सी हो गया और ये हो गया यहां पर अटलांटिक ओशन, इधर आप लोग देखते हैं। तो यहां पर इसको इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है, कई बार क्या बन जाता है, मैंने भी आप लोगों से भी पूछा था कि किसका एक्सटेंशन है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इधर आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये हो गया वेस्ट एशिया, ठीक है। तो वेस्ट एशिया और यहां पर क्या हो गया, ये हो गया ईस्टर्न यूरोप, तो ईस्टर्न यूरोप और वेस्ट एशिया के बीच में है ब्लैक सी। तो इस तरीके से आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन अगर पता हो तो उसकी डायमेंशन ही बताना चाहिए किस साइड से क्या क्या है। सी ऑफ एजोव आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, क्रिच स्टेट यहां पर सी ऑफ एजोव को ब्लैक सी के साथ में कनेक्ट करता है। यहां पर सी ऑफ मारमरा हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, इस्तानबुल वो तुर्की का वो रीजन है जो यहां पर तुर्की को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तुर्की का ये वाला रीजन जो है वो एशिया के अंदर है और तुर्की का ये छोटा सा छुटुक सा जो रीजन है ना ये वाला, ये तुर्की का आप लोगों को यूरोप के अंदर देखने को मिलेगा। तो तुर्की भी रसिया की तरीके से एक यूरेशियन कंट्री है जिसको यूरोप और एशिया दोनों जगह आप लोग देख सकते हैं। ये यहां पर एजिनियन सी हो गया, यहां पर एग्जैक्ट आप लोग यहां पर देखते हैं, और ये यहां पर हो गया ये मेडिटेरेनियन सी। तो ये पर्टिकुलर मैप जो है काफी ज्यादा न्यूज में है, अगर क्वेश्चन कल को बन जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कैसे बन गया, ठीक है, क्योंकि बहुत बार आप लोगों को चीजें बता चुका हूं और क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने आप लोगों से बताई भी थी उस टर्म को आप लोग बताइए, चलिए मैं ही बता दूंगा। हालांकि एक टर्म है जिसको बोलते हैं ए एन ओ
एक्स आई सी, ठीक है। तो ये एनएक्स वोटर बेसिकली इसको बोला गया एनएक्स वोटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसके पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल पानी जो है आप लोगों ने देखा होगा चेंज होता रहता है, मूवमेंट होता रहता है काफी पानी में। इसके पानी में मूवमेंट आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिकली चारों तरफ से घिरा हुआ है इसलिए ज्यादा मूवमेंट वगैरह नहीं, थोड़ा बहुत यहां पर आप लोग देखते हैं हो सकता है उसकी वजह से ये फिक्स रहता हो। तो इसकी वजह से जो पानी का मूवमेंट नहीं होता तो पानी में ऑक्सीजन की कमी रहती है, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से ऑक्सीजन पानी के अंदर आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा और इसको एनोक्सिक बेसिकली ये वाटर का नाम, इसका नाम दिया गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। आगे बात करता हूं यहां पर द सिग्निफिकेंस है यहां पर ब्लैक सी का रशिया के लिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो रशिया जो है ऑलवेज चाहता था कि इस रीजन पर कंट्रोल रखे और ब्लैक सी में अगर ये कंट्रोल रख पाता है तो रशिया के लिए जो पोर्ट है यहां पर आसानी से उनको यूज कर पाएगा। और यहां पर नॉर्मली पूरा रशिया जमा रहता है, फ्रिज रहता है। ब्लैक सी एक ऐसा एरिया है जहां पर फ्रिज नहीं रहता है, आसानी से जहाज इसके आ जा सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये काफी है गुड्स और एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए, ट्रांजिट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट ये एरिया माना जाता है। कल्चर और एथनिक जो डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ से बात करें तो रशिया के साथ में मिलती जुलती है इसकी, क्योंकि ये पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, फिर ये 1990s में इसको अलग होना पड़ गया तो जब उसका विघटन हुआ, पर लेकिन फिर भी काफी लार्ज स्केल पर ये रशिया के साथ में हिस्टोरिक टाइज और वो सारी चीजें देखने को मिलती है और जियोग्राफिकली काफी पास में है रशिया के, तो रशिया को काफी फायदा इससे होता है। रशिया ने 2014 में जब यूक्रेन से यहां पर जो क्रीमिया को एनेक्स किया तो उस टाइम पर बेसिकली यहां पर देखने को मिली कई सारी दिक्कतें। तो ये पोर्शन तो था यूक्रेन का पर हथिया लिया रशिया ने, तो तब से लेकर यहां पर दिक्कत हो गई। तो मैक्सिमम कंट्री ने यहां पर बोला कि ये यूक्रेन का ही पार्ट है, ये रशिया का पार्ट नहीं है और सब यूक्रेन के पीछे आकर खड़े हो गए। यूक्रेन ने ये बोला कि यार मुझे नेटो का मेंबर आप लोग बना लो, इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर यूक्रेन इसका मेंबर बन जाता है और नेटो के किसी भी मेंबर के साथ में कोई जरा सा भी मिलिट्री में दादागिरी दिखाता है, कुछ ऐसी हरकतें करता है, तो इसका मतलब ये कि बाहुबली की तलवार को हाथ लगा लिया। उन्हें कहता कि देवसेना को किसी ने हाथ भी लगाया तो समझना कि बाहुबली की तलवार को हाथ लगा लिया। तो नेटो के मेंबर को किसी ने हाथ लगा दिया तो समझो कि पूरे नेटो के मेंबर को हाथ लगा दिया, सारे नेटो के मेंबर उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। तो इसलिए इनको सिक्योरिटी मिली रहती है, यहां पर इनका अस्तित्व बचा रहता है, कोई इनके ऊपर अकेला वार नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर ये सारे एक साथ आ जाएंगे। ब्लैक सी जो है यहां पर, ये इसके अंदर आप लोगों को रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, ये पर्टिकुलर बाउंड्री देखने को मिलेगी, पर रशिया बोलता है कि अकेला मेरा है, ठीक है। तो रशिया बोलता है कि इस ओशन के मालिक, ये बेसिकली इस सी के मालिक हम हैं, ठीक है। तो ये बात है यहां पर, तो कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बेसिकली ये एक इकोनॉमी से रिलेटेड भी आप लोग इसको न्यूज बोल सकते हैं और ये एक नेशनल लेवल की न्यूज है। स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में बात की जा रही है। स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में अगर बात करूं तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा नॉर्मली, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि आप पोस्टल जो डिपॉजिट कर देते हैं सेविंग, जैसे कि किसान विकास पत्रा में डाल दिया, नेशनल सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। सुरक्षा, यहां पर बेसिकली बात करें तो सुकन्या जो समृद्धि स्कीम है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, तो ये सेविंग स्कीम होती है। तो लोग क्या करते हैं इसके अंदर पैसा डाल देते हैं, बोलते हैं कि प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला क्या 5 साल में डबल हो जाएगा, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या रहता है कि अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है लंबे समय के लिए। आखिर ऐसा कैसे हो पाता है? ऐसा ऐसे हो पाता है जैसे आप लोग वहां पर वो पैसा रखते हैं तो जहां पर भी आप लोगों ने पैसा लगाया वो जो कंपनी है वो जो स्कीम में से पैसा निकाल के उसको बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर देती है, मतलब ये आप लोगों को 6% का ब्याज ये दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, बेसिकली सामने वाले से 12 का लेंगे तो अपने पास में 6 रखेंगे और 6 आप लोगों को दे देंगे, तो ये रहता है। अगर सोचे कि इनके द्वारा यहां पर ये 6 की जगह इसको घटाकर आप लोगों को 5 देना है, कम 5 देना स्टार्ट कर दिया, तो 1% ये क्या करेंगे अपने पास रखेंगे। तो अभी उसी के बारे में बात की जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा भी जुलाई सितंबर के लिए जो सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट रेट है वो रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। तो रिड्यूस कर दिया गया, स्लेस कर दिया गया यहां पर अलग अलग के लिए, तो 0.5 के लिए कर दिया गया और इसी के लिए 1.5 कर दिया गया, ठीक है। तो डिफरेंट आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग कर दिया गया यहां पर ये। इसी के साथ में 7.9 हुआ करता था पहले यहां पर प्रोविडेंट जो फंड के लिए, अभी 7.1 कर दिया गया, तो ये भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, देखिए मेजर सोर्स ऑफ हाउस होल्ड सेविंग रहती है, वो क्या करते हैं इसमें ले जाकर रख देते हैं कि थोड़ा पैसा उनका जमा होता रहेगा, आगे चल के बच्चे को पढ़ाना है या फिर किसी की शादी करनी है घर में, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, पर लेकिन होता क्या है यहां पर अगर उनको इंटरेस्ट कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो उनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा यहां पर पैसे को रखने में, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो इसके चलते उनको यहां पर प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं मिल पाता है। तो यहां पर उनकी मनी को जिस तरीके से सोच रहे थे वो नहीं हो पाएगा। तो यहां पर नेशनल सेविंग जो फंड के अंदर ये पैसा रखते हैं तो उनसे पैसा रिटर्न यहां से कम आएगा। तो इसके चलते फायदा किसको होगा, फायदा होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि एक तरीके से
मैक्सिमम ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये गवर्नमेंट के अंडर में रहती है। तो अगर यहां से पैसा जो आएगा उस पैसे को गवर्नमेंट जो है वो यूज कर रही है, तो गवर्नमेंट को तो अभी 12 मिल रहा है, पर लेकिन वो 6 की जगह आप लोगों को 5 दे रही है, तो गवर्नमेंट के हिस्से में 7 आ गया। तो इसका मतलब गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए यहां पर कोशिश कर रही है। कोविड 19 के टाइम पर गवर्नमेंट के पास में काफी ज्यादा डेफिसिट हो गया, ठीक है, तो उसके चलते यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। बहुत सारी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई गई है, दुनिया भर के प्रोग्राम चलाए गए हैं, लोगों को खाना बांटा जा रहा है, दवाइयां दी जा रही है, पीपीई किट दी जा रही है, तो बहुत सारी चीजें, ऑक्सीजन सिलेंडर, पता नहीं क्या क्या अरेंजमेंट करनी पड़ रही है। तो काफी सारा खर्चा हो गया जो कि अनएक्सपेक्टेड था, सोचा नहीं गया था कि ऐसा खर्चा होगा, तो उसके चलते गवर्नमेंट के पास में भी रिसोर्सेज की कमी हो गई है, ठीक है। तो उसी कमी को ध्यान में रखते हुए अभी इनके द्वारा ये काम किया जा रहा है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो इंपॉर्टेंट बात बेसिकली यहां पर यही है कि एक तरीके से गवर्नमेंट अपने पास में पैसा रखना चाह रही है, जिससे कि गवर्नमेंट के पास में जो डेफिसिट है फाइनेंस में उसको यहां पर वो टैगल कर सके। तो इससे गवर्नमेंट को पैसा बच पाएगा और गवर्नमेंट उस पैसे को फिर यूज कर पाएगी, तो अपने डेफिसिट, अपनी कमी को, खर्च अपनी कमी को भरने की कोशिश कर रही है। तो इसके चलते गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर ये स्टेप उठाया गया है, ठीक है। तो यहां पर अभी इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, अगर देखा जाए तो देखिए जो लोग यहां पर पैसा डालते हैं, तो लोगों के पास में वैसे ही पैसा नहीं है, ठीक है, लोग वहां से वैसे ही पैसे निकाल रहे हैं। अगर कल को लोगों को लगा कि यहां पर इसके अंदर प्रॉफिट मिलना कम हो गया, फिर वो और ज्यादा पैसा निकालना स्टार्ट कर देंगे, वहां पर कोई पैसा नहीं रखेगा। पहले इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर यह है, इसके चलते यहां पर गवर्नमेंट के पास में पैसा जा रहा है, पर लोगों के पास में से पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है, उनके पास में पैसा नहीं है। तो इस तरीके से मार्केट में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होगा। दो तरीके हैं देखिए इसको देखने के, अब कैसे कैसे आप लोग देखते हैं, दो तरीके से देखिए। एक तो यहां पर आप लोगों ने पैसा रख दिया, लोग कुछ तो ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिल रहा, पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है, अपने पैसे को घर में रखेंगे, कहीं और जैसे भी यूज करेंगे, अगर यूज कर रहे हैं तो फिर मार्केट में सही है कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है कुछ और बढ़िया, ठीक है। पर लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे, चलो पड़े रहने दो, पर लेकिन जो प्रॉफिट उनका आ रहा था इंटरेस्ट का, वो उनके लिए कम हो गया, तो वो उसके खर्चा और कम कर देंगे। तो कई सारे तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो यहां पर एक सिक्के के कई सारे पहलू आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकते हैं, जो कि यहां पर अगर कोई ऐसी स्कीम होती है तो सोच समझ कर गवर्नमेंट को थोड़ा काम करना चाहिए, बेसिकली यहां पर किस तरीके चीजों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। कई बार इसके दिक्कत चल जाती है, क्योंकि अभी देखिए गवर्नमेंट के द्वारा कोविड 19 के चलते अगर इकोनॉमी के बारे में बात करें, तो इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज यहां पर इनके द्वारा लाया गया, जिसके चलते काफी लार्ज स्केल पर पैसा इनके द्वारा ये जनता को प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। तो 17 के करीब इनके द्वारा मेजर लिए गए, इसके चलते इनके द्वारा 6,28,993 करोड़ के करीब ये पैसा अभी मार्केट में दिया गया है। तो बोला ये जा रहा है कि इसके चलते गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट यहां पर 0.6% बढ़ सकता है। मतलब क्या है, आमदनी 98 और खर्च रुपया, यानी कि पैसा ज्यादा खर्च कर दिया, इतना आ नहीं रहा है कहीं से, तो उसके चलते डेफिसिट हो जाता है। तो अभी हमारी कंट्री में हेल्थ स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, इसी के साथ में जो सेक्टर जो है खराब हो गए हैं, ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, उसको इंप्रूव करने के लिए इनके द्वारा ये स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा यहां पर न्यूज में आ गया है। तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आप लोगों के लिए बन जाए, तो कंफ्यूज मत होना कि किस तरीके से क्या क्या चीजें, स्टेटमेंट देकर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है इस तरीके से अगर गवर्नमेंट जो है वो यहां पर सब्सिडी बढ़ाती है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार स्टेटमेंट की फॉर्म में आप लोग आते हैं, तो अगर उनको आप लोग समझ पाएंगे तो डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। कई सारी स्कीम चलाई गई, लोन गारंटी स्कीम दी गई, यानी कि पहले क्या होता था, अगर लोन लेंगे तो आप लोगों को कोलेटरल कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा वहां पर कि हां आप लोगों को तब लोन मिलेगा, ठीक है। पर लेकिन एटलीस्ट ना गवर्नमेंट के द्वारा गारंटी ले ली गई कि नहीं ठीक है आप लोग लोन ले लो, कुछ दिक्कत होगी तो हम लोग देख लेंगे। एडिशनल क्रेडिट दिया जा रहा है 1.1 लाख करोड़ का, 50,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर में दिए जा रहे हैं, 60,000 करोड़ रुपए अदर सेक्टर इंक्लूडिंग टूरिज्म में दिए जा रहे हैं। गारंटी कवरेज की जा रही है 50% जो एक्सपेंड करने की बात की जा रही है उसको 75% तक न्यू प्रोजेक्ट के लिए। इसी के साथ में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को यहां पर 75% तक का कवरेज किया जा रहा है। इमरजेंसी के लिए क्रेडिट लाइन गारंटी दी जा रही है यहां पर, ठीक है, जिसके चलते दूसरे सेक्टर को एक्सपेंड किया जाएगा। 1.5 लाख के करीब जो यहां पर आत्मनिर्भर भारत के तहत भी यहां पर पैकेज लॉन्च किया गया था, अभी फिलहाल भी यहां पर इसको एक्सटेंड किया गया। क्रेडिट जो गारंटी स्कीम है उसके तहत माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को भी हेल्प देखने को मिलेगी, उनके थ्रू पैसा प्रोवाइड कराया जाता है अप्रोक्सीमेट 1.2 लाख से लेकर 25 लाख तक का यहां पर। तो इसके चलते 25 लाख के करीब जो स्मॉल बोरोवर है उनको यहां पर अप टू द 1.25 लाख तक का फायदा यहां पर देखने को मिल सकता है, ताकि वो यहां पर फायदा पहुंचा सके। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम इनके द्वारा चलाए जाते हैं जिसके चलते चीजें देखने को मिलती है। ऐसे यहां पर जैसे कि बच्चों से रिलेटेड या फिर बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उनसे रिलेटेड यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको पेडियाट्रिक बोलते हैं आप लोग यहां पर, ठीक है, ये बच्चों के रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की जा रही है ह्यूमन रिसोर्स के फील्ड में, तो 23,000 करोड़ के करीब खर्च किए जाएंगे। ग्रोथ इंप्लॉयमेंट में तो टूरिस्ट को फायदा पहुंचाया जाएगा यहां पर, 5 लाख के करीब जो टूरिस्ट है, ठीक है, तो उनको 5 लाख बेसिकली टूरिस्ट टू द 5 लाख टूरिस्ट ये फायदा पहुंचने वाला लगभग। एडिशनल सब्सिडी दी जा रही है फर्टिलाइजर पर किसानों को, ताकि किसानों को फायदा पहुंचे। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो बेसिकली एग्रीकल्चर है उसमें भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। मार्केटिंग का जो बेसिकली इसके लिए 77.45 करोड़ रुपए दिए गए। अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है ताकि लोगों तक जो है इसका फायदा पहुंच सके। तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे अभी आप लोग यहां पर क्या हुआ
इसके बारे में आइडिया रखेगा, ठीक है। तो ये था यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसके बारे में। आइए अब चलते हैं स्टेट न्यूज के पास में। स्टेट न्यूज में क्या बोला गया, बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। तो क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, यहाँ पर ये क्या है बेसिकली, यहाँ पर बर्नाडी, तो यहाँ पर बर्नाडी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको हिंदी में आप लोग बर्नाडी वन्य अभ्यारण भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर बात करें तो कहां पर है, आसाम में। तो आप लोगों से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के बारे में पूछ रहे हैं, तो रटना नहीं है, उनके बारे में याद रखिएगा जो न्यूज में है। तो ये अभी यहां पर न्यूज में है। तो वर्ल्ड वाइड जो फंड फॉर नेचर है उनके द्वारा फ्यू टाइगर्स जो यहां पर वो इनहेबिटेड किए गए यहां पर बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर उसके चलते अभी ये न्यूज में यहाँ पर, तो ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लगभग 26.22 स्क्वायर किलोमीटर में एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी। आसाम में ये लोकेटेड है यहाँ पर, बस बेसिकली बक्सा और इसी के साथ में जो उदालगिरी डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि भूटान के साथ में बॉर्डर टच करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए मैप में, इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ मैप को आप लोगों को लापरवाही से नहीं लेना है, मैप को आप लोगों को बड़ा सीरियसली लेना है, ठीक है। तो ये कहां पर बात की जा रही है, भूटान वाले एरिया में, ठीक है। तो इसका मतलब आसाम में, तो यहां कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मैप में अगर क्लैरिटी आप लोगों को होगी क्या हो गया तो तुरंत आप लोग उसका आंसर, एक मिनट रुको यार, अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली कहाँ थे हम, अच्छा यहाँ थे, बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, याद कर रखना है, बेसिकली पता होना चाहिए किस पर्टिकुलर लोकेशन पर है, तो लोकेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली बर्नाडी जो रिवर है और इसी के साथ में नालपारा जो रिवर है, ये कहाँ पर है अगर आप लोगों से बोले तो, सीधी सीधी बात है यार, आसाम के अंदर है। तो ये यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी न्यूज में आ गई, इसी के बहाने से आप लोगों को दो रिवर के भी नाम पता चल गए यहाँ पर, इसके चलते आप लोगों को राज्य का नाम पता चल गया, मैप की लोकेशन देख लिया आप लोगों ने। तो कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए तो टॉपिक इस तरीके से कवर करो कि जितना पढ़ा है उसमें तो ठोक कर बोल सको सामने वाले को, भाई साहब इसमें से क्वेश्चन पूछ और आंसर ना दिया तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। ये वाला कॉन्फिडेंस रखना है आप लोगों को जिंदगी में, अगर जिंदगी को ढंग से जीना है तो। यहां पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1980s में बनाई गई थी। कई सारे जैसे एशियन एलिफेंट टाइगर्स हो गया या फिर गोर बोस हो गया, यहाँ पर जिसको फ्रंटलीज बोला जाता है, ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं इस तरीके का जो भैंसा होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर एरिया में। 60% के करीब यहाँ पर जो पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर ग्रास लैंड है, ठीक है, और ग्रासी वुडलैंड भी आप लोग को देखने को मिलेगा। मेन फॉरेस्ट जो टाइप है यहाँ पर ये ट्रॉपिकल मॉस डेसिडियस, इनको क्या बोलते हैं, जो पतझड़ वाले पेड़ नहीं होते हैं, जो आप लोगों को सर्दियों में पतझड़ उनकी होती नजर आती है, वो वाले हैं, तो वो वाले देखने को मिलेंगे। मिक्स कब और ग्रास लैंड भी आप लोग यहाँ पर नजर आ जाएंगे। बेसिकली जो बात करें तो वेजिटेशन जो है वो ड्रास्टिकली इंपैक्ट हुआ है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि इंसान तो हर जगह हरकतें कर रहे हैं, कहीं पेड़ काट रहे हैं, कहीं जंगलों में आग लगा रहे हैं, कहीं डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, तो उसके चलते दिक्कत देखने को मिलती है। अभी रिसेंटली कमर्शियलाइजेशन भी यहाँ पर देखने को मिला, जैसे यूकेलिप्टस का पेड़ लगा दिया कोई और काट कर, ठीक है, क्योंकि उसकी लकड़ी बेचनी है, उसकी लकड़ी से उनको सामान बनाना है। तो अभी ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है जिसके चलते कई बार ये न्यूज में रहती है, ठीक है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं, क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूजन माइंड में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये जो न्यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके स्टार्टिंग में मैं आप लोगों से एक प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करूंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है अगर डिफेंस के किसी एग्जाम की तैयारी करें तो, वहां पर चांसेस बढ़ सकते हैं। वैसे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी आप लोगों से यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है इसके बारे में। यह इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो हमारी कंट्री के फॉर्मर जो प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर जो हैं उनके द्वारा यहां पर ये बेसिकली प्रोग्राम लाया गया था हमारी कंट्री में, ताकि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन सके मिसाइल टेक्नोलॉजी में, किसी और के ऊपर हम लोग को डिपेंडेंसी न रखने को मिले, और वो इस काम को बखूबी कर गए, इसीलिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। 1983 में यहां पर बेसिकली स्टार्ट किया गया और कंप्लीट किया गया 2012 में ये प्रोग्राम, और इस ड्यूरेशन में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये कई सारी मिसाइल बनाई गई जिसका नाम रखा गया PATNA, ठीक है। तो 5 मिसाइल यहां पर पटना के नाम से आप लोग याद रख लेना बेसिकली। तो ये मिसाइल प्रोग्राम हमारे देश में देखने को मिले, तो उसी के तहत यहां पर अभी एक और मिसाइल लॉन्च की गई जिसका नाम है अग्नि पी। पी का मतलब क्या है, प्राइम, ठीक है। तो प्राइम टाइम है यहां पर अग्नि का, ये बेसिकली इसको देखने के लिए पैसा लगेगा, ओके यानी कि अग्नि जो प्राइम है यहां पर सक्सेसफुली टेस्ट फायर की गई है। ये कहां से, DRDO बेसिकली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के नाम पर ही यहां पर ये आइलैंड का नाम भी है। पहले इस आइलैंड का नाम क्या था, इसका नाम आइलैंड का नाम चेंज किया गया, तो बताइए आइलैंड का पहले नाम क्या था, ये आप लोगों को बताना है। अग्नि 5 जो है वो न्यू जनरेशन, ये बेसिकली
एडवांस वेरिएंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो इंटीग्रेटेड, जो मैंने अभी ना बताया, जो मिसाइल गाइडेड जो प्रोग्राम बेसिकली, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखेगा, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहां पर ये जो प्रोग्राम है इसके तहत ये आप लोगों को आगे देखने को मिलेगी चीजें। तो इसके चलते यहां पर जो मिसाइल है वो यहां पर अभी डेवलप की जा रही है। तो इसके चलते अभी जो कैपेबिलिटी है इसकी 1000 से करीब 2000 तक आप लोगों को देखने को मिलेगी। एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी, बेसिकली जो भी इनोवेटिव चीजें हैं वो सारे टेक्निकल जो चीजें हैं वो इसके अंदर इंक्लूड की गई है, ताकि आने वाले टाइम में किसी के भी साथ में अगर हम लोग लड़ते हैं तो उसको हम लोग टैकल कर सकें। नॉर्मली अग्नि की कैटेगरी में अगर देखें, अग्नि 1 जो थी वो 700 से लेकर 800 किलोमीटर की रेंज में थी, अग्नि 2 लगभग 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 लगभग 2500, अग्नि 4 लगभग 3500, अग्नि 5 जो थी वो पहली मिसाइल है हमारे पास में, जिसको बोलते हैं ICBM। याद रखना इसको, ICBM का मतलब क्या है, ये बेसिकली है यहां पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर वार कर सकती है। तो आप लोगों को याद होगा इंटर, INTER, इंटर का मतलब होता है INTER, तो जो इंटर होता है उसका मतलब होता है कि एक से लेके दूसरे, वैसे जैसे इंटर कॉलेज फेस्ट आप लोगों ने सुना होगा ना, यानी कई सारे कॉलेज इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब होता है भारी साइड में किसी के साथ में जाकर कंपटीशन करना, ठीक है, किसी के साथ में सेलिब्रेट करना। तो इंटर कॉन्टिनेंट का मतलब दूसरे के साथ में, और इंट्रा का मतलब होता है अपने ही अंदर, इंट्रा कॉलेज फेस्ट हो गया तो अपने ही कॉलेज के अंदर फेस्ट होगा यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, तो इंटरकॉन्टिनेंटल यानी कि अपने कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी हम लोग इससे वार कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया, मतलब यहां पर ये हो गया कि जो इसकी रेंज है, अगर यहां से हम लोग बात करें, ठीक है, इसकी रेंज जो है ऊपर अगर देखें तो इधर अफ्रीका तक वार कर सकती है बेसिकली ये, ठीक है, ऊपर देखा जाए तो ऊपर रशिया तक यहां पर ये वार कर सकती है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आसपास वाले रीजन को काफी लार्ज स्केल पर ये अपनी चपेट में ले सकती है। तो पहली ऐसी मिसाइल है जो कि कॉन्टिनेंट को क्रॉस करने का यहां पर एक बूता रखती है। अग्नि पी मिसाइल जो है यहां पर ये बेसिकली स्ट्रेंथ करेगी हमारी क्रेडिबिलिटी, जो है डिटरेंस क्रिएट करने की, यानी कि जो लोग हमेशा हमारे सर पर चिल्लाते रहते हैं, हमारी जो कैपेबिलिटी को कमजोर समझते हैं, तो उनको ये डिटरेंस क्रिएट करने का काम करेगी। अग्नि जो मिसाइल है यहां पर, ये अग्नि पी जो है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए काफी फायदा पहुंचाएगी, और इसकी एक्यूरेसी जो है वो प्रेजेंट टाइम के हिसाब से काफी अच्छी है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी ये न्यूज में है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अभी आप लोगों को मुझे लगता है आप लोगों ने इसको टकटकी लगाकर देखा होगा, तो देखता हूं कितना टकटकी लगाकर देखा है, क्वेश्चन पूछूंगा। पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट कोटेशन देखी, वीडियो का नाम याद रख, टाइम फिक्स कर दिया है, याद रखेगा एग्जैक्ट 9 बजे आप लोग आकर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर प्रीमियर देखेंगे तो उससे देखिए एक और फायदा रहेगा, अगर आप लोगों को लगता है एडवर्टीजमेंट से कोई दिक्कत है, कई सारे बच्चे बोल रहे थे, तो देखिए उससे फिर यहां पर बेसिकली चीजें हो सकती है, ठीक है। तो प्रीमियर में नॉर्मली एडवर्टीजमेंट नहीं आते हैं, तो अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग प्रीमियर आकर देख सकते हैं, इसीलिए लगाता हूं ताकि जिसको दिक्कत हो तो वो इस टाइम पर इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली इसको आप लोग याद रखिएगा। और बाकी के यार देखिए कई सारे बच्चे बोलते हैं सर एडवर्टीजमेंट के बारे में, यार जो भी चीजें करता हूं फिर उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ तो मतलब अगर एडवर्टीजमेंट ही बंद कर दिए तो फिर ये जो चीजें चल रही हैं चलेंगी कैसे, ये तो बता दो मुझे एक मिनट के लिए। चीजें थोड़ा सा सोचा करो उस चीज के बारे में भी, ऐसा नहीं है बिल्कुल, मतलब एक बैलेंस तो बनाकर चलना पड़ेगा ना, कि जो बेसिकली जो चीजें कर रहा हूं मैं इसके लिए जो पीछे जो खर्चा चल रहा है तो वो इन एडवर्टीजमेंट से ही निकल कर आता है, ठीक है। तो उसको ऐसे मत देखो बिल्कुल ही, तो फिर चीजें सर्वाइव करनी मुश्किल हो जाएगी। जो किताबें प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो भी हेल्प कर रहा हूँ अपनी साइड से, जो भी हो पा रही है, तो सारी चीजें यहीं से ही निकल के आती हैं, ठीक है। वो इसमें भी कम पड़ जाती है, इससे काम नहीं चलता है, क्योंकि आज के टाइम में यूट्यूब ने जो अर्निंग है वो काफी कम कर दी है पहले के अंपर में, ठीक है। पहले ठीक ठाक पैसे देते थे लोग, अब काफी ज्यादा कम कर दिए, उसके चलते बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा ना, कई सारे जो लोग हैं वो यूट्यूब पे पेड कोर्स बेचना स्टार्ट कर दिया अलग अलग चीजें। तो उसका रीजन ये है कि खर्चा चलता ही नहीं है इससे, ठीक है। तो ये इसलिए यहां पर ये जरूरी है कि बेसिकली सर्वाइव करने के लिए इंसान के कि हाँ कम से कम इतना तो रहेगा, ठीक है। तो वो आप लोग चीजें थोड़ा देखिए। तो इसका सॉल्यूशन ये कि आप लोग तभी आकर एकदम वीडियो देख लेते, थोड़ा आप लोगों को फायदा रह जाएगा आप लोगों को लगता है कि इस तरीके से, बाकी तो आप लोग देखो जैसा मतलब क्या बोलो इसके बारे में। जितना अपने से हो पाता है देखिए यार इतना तो मैं करता हूँ, ठीक है। इससे फालतू फिर चीजें बहुत ज्यादा टाइट हो जाती हैं। अभी आप लोगों को बताया ना मैंने कि मुझे बहुत सारी किताब और भी प्रोवाइड करानी थी, उसके लिए मेरे पास में अभी जो रिवेन्यू है वो नहीं हो पाया। तो इसके चलते कई सारी चीजें रहती हैं जो मैं कुछ करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, पर लेकिन कहीं ना कहीं हाथ बन जाते हैं चीजों में आकर, ठीक है। तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलने लगती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम रहती है, तो चलिए कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ ना कुछ होगा आगे भी। आगे बात करते हैं, सबसे पहले शॉर्ट न्यूज देखिए हम लोगों ने यहाँ पर, ये मेघालय के अंदर बातें करी, क्या एग्जैक्ट लोकेशन है वो भी देखी, बॉर्डर एरिया में हम अपनी कंट्री में चीजों को इंप्रूव कर रहे हैं उसके बारे में समझा। हम लोगों ने नरसीमा और प्रहलाद की स्टोरी भी यहाँ पर सुनी, क्या चीजें थी, एक के टेंपल के बारे में जाना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का माइक्रो फाइनेंसिंग के बारे में क्या मुद्दा है वो समझा। हम लोगों ने यहाँ पर एक और न्यूज जानी जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में बात करी है। तो कोई भी न्यूज हो तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, डिक्लेयर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने सी ब्रीज के बारे में जाना, ठीक है।
ब्लैक सी और ये सारी लोकेशन आप लोगों से समझी। नेशनल न्यूज में स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में हम लोगों ने बात की काफी डिटेल में। इसी के साथ में स्टेट न्यूज के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात की, ठीक है। इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इकोनॉमिक जो रिलीफ गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया गया वो हम लोगों ने समझा। इसी के साथ में इंटरनल सिक्योरिटी के तहत बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पर ये अग्नि पी यानी ये प्राइम के बारे में हम लोगों ने बात की काफी डिटेल में। क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, ठीक है। अब ये है आप लोगों के सामने द्वाकी जो है यहाँ पर मेघालय में किस इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है, आर एफ आई क्या है ये बताना है, ये जो टेंपल है यहां पर ये आप लोगों को बताना है इसके अंदर बेसिकली ये जो किस भगवान से रिलेटेड है, ऑयल कौन सा है जिसको सब्स्टिट्यूट बोला गया एडेबल ऑयल का, कौन सा केस था ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बना दिया, यूक्रेन के साथ में कौन मिलकर सी ब्रीज एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ब्लैक सी किसका एक्सटेंशन है ये बताना है, अग्नि पी में पी क्या है ये बताना है, डीआरडीओ के द्वारा जो ये टेस्ट फायर किया है किस आइलैंड से किया गया ये बताना है। तो ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। आइए एक बार थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं, कौन सा आर्टिकल है जिसमें चीफ मिनिस्टर जो अपॉइंट किए जाने चाहिए गवर्नर के द्वारा ये बताना आप लोगों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा यहां पर अभी एक पर्टिकुलर संस्कृत डेली का नाम बताना है जिनके जो फाउंडर थे केवी संपत साहब जो है उनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है, ये जो पद्मश्री ये विजेता थे बेसिकली इनके बारे में याद रखना। अवार्ड का नाम बताना है यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा जो हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है यूनिटी और इंटीग्रिटी के फील्ड में, ठीक है। एक बच्चे कई सारे बच्चे के क्या कई सारे बोल रहे हैं सर ये वाला अवार्ड तो आपको मिलना चाहिए, अरे इतने बड़े काम नहीं किए भाई, इतना बड़ा अवार्ड कहां जाओगे दिलाकर। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अवार्ड जो था ना इसके बारे में जो बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रिलेटेड था, मैंने बोला कि किसको देना चाहोगे आप लोग, नहीं था कि मैंने कहा कोई एक महान पर्सनैलिटी को आप लोगों को देना है तो कोई ढूंढो आसपास में कोई मिल जाएगा आप लोगों को। चाइना के बारे में बात करें तो यहां पर बेसिकली इनके द्वारा कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में बात की गई कब तक का, जिनसा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है ये बताना है, कौन सा आर्टिकल है जो बेसिकली अटोर्नी जनरल के बारे में बात करते हैं। इसी के साथ में यहां पर कौन सा आर्टिकल है जो कि यहां पर प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट जो है सलाह लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से, कौन सा आर्टिकल है जिसमें एडवोकेट जनरल देखने को मिलते हैं, कौन सा स्टेट है जिनके किसके द्वारा बेसिकली यहां पर द इंडिया स्टोरी बुकलेट यहां पर ये रिलीज की गई, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। आइए अब एक बार देख लेते हैं यहां पर बेसिकली आर्टिकल 164 यहां पर बात करता है कि अपॉइंटमेंट करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को जो कि गवर्नर को बेसिकली यहां पर ये बोलेगा बेसिकली अपॉइंट करेंगे गवर्नर, फिर ये इसके बाद में यहां पर जो मिनिस्टर उनको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, फिर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर यहां पर दूसरे मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। यहां पर याद रखना इसका सुधर्मा इसका नाम था, यहां पर ये अकेला वर्ल्ड का एक ऐसा डेली जो एडिटर है जो यहां पर छपता है संस्कृत में, ठीक है। तो यहां पर इसके जो छापने वाले थे वो अभी नहीं रहे, अभी देखें कि इनकी जो वाइफ है वो इसको आगे कंटिन्यू करती है कैसे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर ये अवार्ड है यहां पर, सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल को इंस्टीट्यूशन को सबको दिया जा सकता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। 2060 में बोला गया चाइना के द्वारा न्यूट्रलिटी को रखने के लिए। जिनसा जो रिवर है ये यतांज रिवर जो लॉन्गेस्ट रिवर है इसे के अंदर उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 76 के बारे में आप लोग याद रखेगा, ये बेसिकली अटोर्नी जनरल के बारे में बात करते हैं। 143 बात करते हैं प्रेसिडेंट जो है एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल 165 जो है ये एडवोकेट जनरल से रिलेटेड है, यहां पर याद रखेगा। स्टेट ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो इनके द्वारा द इंडिया स्टोरी बुकलेट रिज्यू की गई कि एनर्जी का जो ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है उसके बारे में यहां पर बातें की गई है, ठीक है। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन, पीडीएफ जाकर यहां से डाउनलोड कर लेना, बाकी यहां पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएगा, और बाकी जो भी सीखा है वो किसी को पढ़ा दीजिएगा, आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें, तब तक के लिए जय हिंद।